केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को जिला कांगड़ा के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये खानदान ऐसा है कि जब विपदा की घड़ी आई तो जनता को गुमराह करने का काम किया, टीकाकरण न लगाने को कहा ताकि गरीब जनता सुरक्षित नहीं रह सके। ये परिवार अगर हिमाचल में वोट मांगे तो हिमाचल की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। त्रिदेव सम्मेलन से कहने आई हूँ कि मेरे अंदर आज भी आग है। मैंने अमेठी में गरीब को तिल तिल मरते देखा है। हिमाचल में हमने कांग्रेस के रिवाज तोड़े, एम्स, आईआईटी और आईआईएम बनाए। अब चुनाव में भी रिवाज तोड़ेंगे और फिर भाजपा सरकार बनाएंगे। कोरोना की विपदा कांग्रेस के कार्यकाल में आई होती तो देश की जनता मर जाती। मेरी सरकार ने उनकी भी सेवा की जिन्होंने वोट नहीं दिया और वैक्सीन भी लगवाई। हम पक्षपात नहीं करते। विपदा की घड़ी में कांग्रेस का भाग जाना उनका ध्येय था। मेरी पार्टी की बहनों ने मास्क सिले, फूड पैकेट दिए, सत्ता को सेवा में परिवर्तित करने का काम भाजपा ने किया। जिन्हें खुद नहीं पता अपनी पार्टी कैसे चलानी है, वो क्या हिमाचल की बात करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बता पाएंगे कि कहाँ है ये परिवार। अमेठी में आरएसएस ने सालों लाठियां खाई। एक समय कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हिला सकते, उनकी जमानत जब्त हो गई। अमेठी में भाजपा ब्लॉक कार्यकर्ता की हत्या हुई। वो मेरे लिए भाई है, इसलिए अर्थी को कंधा दिया। वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार ने दी, इस बार भी भाजपा त्रिदेव के साथ ये रिवाज तोड़ेगी और फिर सरकार बनाएंगे। त्रिदेव की भूमिका में आप सभी बूथ को संरक्षित रखे। बड़ी विनम्रता से जयराम जी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस के एक एक कटाक्ष का जवाब दिया। बड़ी विनम्रता से अविनाश जी ने, सुरेश जी ने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरे अंदर आज भी वो आग है जो मेरी वाणी से प्रस्फुटित होता है, और उसके पीछे कारण यह है कि मैंने स्वयं अमेठी में कांग्रेस के राज में 50 साल गरीब को तिल तिल कर मरते हुए देखा है। कांग्रेस के नेता ये दुस्साहस करते हैं कहने का कि हिमाचल में रिवाज नहीं है। अरे मैं पूछना चाहती हूं, हिमाचल में तो ये रिवाज भी नहीं था कि एम्स हिमाचल प्रदेश में बनाया जाए। हमने कांग्रेस का वो रिवाज तोड़ा और बिलासपुर में एम्स बनाया। हिमाचल में तो ये रिवाज भी कांग्रेस का नहीं था कि आईआईएम बनाया जाए। हमने रिवाज तोड़ा और नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आईआईएम बनाया। हिमाचल में तो ये भी रिवाज नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में अटल जी के वक्त पर जिस टनल की कल्पना हुई, वो टनल का निर्माण पूर्ण होकर वो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया जाए। 20 साल से कांग्रेस ने जो रिवाज बनाकर रखा हिमाचल में, वो रिवाज मेरी पार्टी के नेता, मेरे संगठन की सरकार ने तोड़कर दिखाया।